गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जैसे लेट करांगे सो को मंदा आखिए जीत जमे राजान। ओके, सो को मंदा आखिए जीत जमे राजान। ए बेटा तुक किदी लिखी हुई है, किसी ने पता है? ए किदी लिखी हुई है? हाँ, गुरु नानक देव जी दी। ओके, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूरा भी बना रहे हैं फल है ना, इसलिए बेटा मैं लेख आज ऐसे करवा रही हूँ ताकि तुम्हें पता भी चले ना बारे में। सोको मंदा मीनिंग सुनो, सोको मंदा आपिए, मंदा मतलब माड़ा। सो क्यों, क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है गुरु जी, क्वेश्चन कर रहे हैं। मंदा यानी कि माड़ा। जित जमेरा जान जिन्ना ने राजे महाराजिया नू जन्म दिता है। सोको मंदा आखी जीव जमेरा जान। गुरु जी ने अपनी गुरबाणी च कहा कि असी उन्हां इस्त्रियां नू औरतां नू माड़ा क्यों कहने हाँ, जेड़ी जगत दी जननी है, ठीक है, जेड़ी राजे महाराजिया नू गुरुआं पीरां नू जन्म दिंदी है, फिर असी उस इस्त्री दा निरादर क्यों कर रहे हैं। बाकी इसी जाति का सम्मान करने के लिए गुरु जी ने, ठीक है, अपनी गुरबाणी दे लिखिया लोगों उपदेश, क्योंकि गुरु जी के टाइम से बेटा जानवी पहले समय विच जो गुरमत के समय विच उस समय इस्त्रियां नू पैर की जुत्ती समझा जाता सी, उस नू निंदिया जाता सी, बराबर दे हक नहीं दित्ते जांदे सी। इत्थों तक कि जिहड़े मुसलमान लोग सन उहनां नूं जिहड़ा कि पर्दे दे विच रखदे सन, ते औरतां नूं बेटा घर तों बाहर कढ़िया नहीं जांदा सी, पढ़ाया लिखाया नहीं जांदा सी। ते गुरु जी ने इसी जाति दा स्थान उच्चा चुकण दे लई गुरबाणी विच जिहड़ा कि इह सानूं समझाया गुरबाणी दे जरिए, ठीक है। सोको मंदा के जित मेरा जान, भाव कि परमात्मा की बनाई सृष्टि के इंसान ने, परमात्मा ने इंसान बनाया, ठीक है, लड़का लड़की बनाया है, उस परमात्मा ने कोई फर्क नहीं किया, फिर असि इस परमात्मा की बनाई दुनिया के क्यों एक लड़का ते लड़की फर्क कर रहे हैं। इसी जाति का सन्मान, इसी जाति को सन्मान देने वो आदर सत्कार गुरु जी ने अपने उपदेशों राय गुरबाणी के राही लोगों समझाया। मीनिंग क्लियर हो गया? क्लियर बेटा मीनिंग सानू? बेटा वो तो पहले पहुंची नहीं, मैं सिर्फ इतने सिर्फ एदा लेख दा ही मीनिंग समझाया जो तुक लिखी मैं, माड़ा माड़ा माड़ा, हले सिर्फ तुक दा मीनिंग क्लियर होएगा ताई तुसी ऐसे लिख पाओगे। जे तुहानू तुक दा मीनिंग ही नहीं क्लियर तुसी लिख ही नहीं पाणा। जी बेटा मीनिंग क्लियर होवे ना क्वेश्चन दा ताई असीं आंसर लिख पांदे आ, क्योंकि जे मीनिंग नहीं लिया तां सारे गलत लिखते जांदे हो, नहीं तां तुहाडे कुछ मार्क्स आंदे ने मीनिंग क्लियर है। फर्स्ट बेटा ए कोटेशन बाद च लिखना, पहले लिखो भूमिका जो बाकी ऐसे च लिखवाई हुई है, लिखवाई हुई ना बेटा परमात्मा दी बनाई हुई सृष्टि दे विच। हां एक लास्ट लाइन चेंज करवा दांगे, परमात्मा दी बनाई हुई सृष्टि विच परमात्मा ने मनुख नू, परमात्मा दी बनाई हुई सृष्टि दे विच या कुदरत सृष्टि, परमात्मा ने मनुख नू एक अनमोल जीवन दिता है। हाँ बेटा चाहे डैश डैश पा लो, बाकी सारिया सेम लाइन ही है। ठीक है, परमात्मा ने जब लड़का ते लड़की भी कोई फर्क नहीं किता, फिर असी क्यों स्त्री ना जा लड़कियां ना निरादर करते हाँ, फिर असी क्यों स्त्रियां ना निरादर करते हाँ, या असी उन्हें ओ मान ते सत्कार नहीं दिंदे जो असी लड़कियां नूं दिंदे हां।
ठीक है, चाहे आधुनिक समाज दे विच सोच बदल चुकी है पर फिर भी कुछ लोग अजे हैं जो औरत नू बराबर दा दर्जा नहीं दिंदे। काफी हद तक चेंज हो चुका है पर फिर भी कुछ लोग अजे हैं जो किधे बेटा, पर फिर भी कुछ लोग अजे हैं जो औरत नू बराबर दा दर्जा नहीं दिंदे। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन लिखो, कोटेशन लिखो, पंड जमीए पंड निमिए, पंड मतलब औरत, ठीक है, गुरबाणी एक गुरु जी ने लिखा है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु ग्रंथ साहिब दे भी दर्ज है, आसा दी वाच तो लिया गया, नहीं कोटेशन लिखो फिर नीचे लिखाऊंगी तुकदात, अगे लिखो कोटेशन, पंड जमीए पंड निमिए, पंड का मीनिंग है औरत, पंड जमीए पंड निमिए, पंडो मंगल व्यापार की एक इंसान का जो जन्म है वो इसी तो ही होता है, इसी दे नाल ही उसकी मंगनी होती है ते इसी नाल ही जन्म लेंदा है, फिर असी उस इसी नू उस औरत नू क्यों माड़ा कहने हाँ, जब एक इंसान का गुजारा बिना इसी तो हो ही नहीं सकता, जिहड़ी इसी है वह घर नू चलांदी है, उहदे तो ही जन्म हुंदा इंसान का, उहदे तो ही दुनिया अगे चलती है, वंश अगे चलता है, उहदे नाल ही मंगनी हुंदी ब्याह जांदा है, पर फिर असी उस इसी नू माड़ा क्यों कहने हां, उहदा क्यों सत्कार नहीं करदे, पंड मतलब और पंड जमी जन्म ही इसी हुंदा है, पंड निमी भाव कि उहदा चलता है वंश, पंडो मंगन ब्याह, मंगनी ते ब्याह भी इसी नाल हुंदा है, पंडो होवे दोस्ती दी इंसान जिहड़ा कि दोस्ती भी करदा है अपने फ्रेंड भी बनांदा है, पंडो चले रहा उसके नाल ही दुनिया चलती है, फिर असी गुरु जी कह रहे कि उस स्त्री नू माड़ा क्यों कहने हैं, चाहे मैं एक्सप्लेन भी कर देना जिहड़ा तुकदार थकांगे ना, चाहे उहदे च एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है, पूरे पूरे ही जिहड़े कि इहनू एक्सप्लेन कर सकदे हो, ठीक है, क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट, तुक दा अर्थ, बेटा कोटेशन लिखो, तुक दा अर्थ मीनिंग, सोको मंदा आखिए तुक, गुरु नानक देव जी दी, गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई बाणी आसा दी वार, आसा दी वार विचों लई गई है, इस तुक दा अर्थ है कि असी इस्त्रियां नू माड़ा क्यों कहंदे हां जिन्हां ने राजे महाराजियां नू जन्म दिता है, सोको मंदा आखिए तुक दा अर्थ है कि असी इस्त्रियां नू माड़ा या माड़े शब्द क्यों बोलदे हां, लिख लो, जिन्हां ने राजे महाराजियां नू जन्म दिता है, क्लियर है मीनिंग, असी इस्त्रियां नू माड़ा क्यों कहंदे हां जिन्हां ने राजे महाराजियां नू जन्म दिता है, भाव कि गुरु जी ने अपनी बाणी दे विच इस्त्री जाति दा सन्मान करन दे लई, इस्त्री जाति दा सन्मान करन दा उपदेश दिता है, क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा नाल नाल लिख लो पुत्र, पिछोकड़ पिछला समा, पिछोकड़ मतलब पुराने समय दे गुरु जी ने अपनी गुरबाणी दे क्यों उपदेश दिता,
क्यों स्त्री जाति का सम्मान कर ली, क्यों क्या कोई रीजन तो होगा ना। जो आप किसी ने कुछ समझा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उदा कोई ना कोई रीजन होंगे। हुण गुरु जी ने गुरबाणी विच सोको मंदा आखी है गुरबाणी जां पढ़ जमीए पढ़ निमीए, ये शब्द क्यों लिखिया, उदा कारण की है। ठीक है, हुण आपां करांगे वी पहले समय दे विच वैदिक काल दे जी एस एस टी च पढ़िया भी होना है। ठीक है ना, पहले लिखो वैदिक काल, एदा हैडिंग बना के लिख लेना। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ। जो हवन वगैरा याद करते ना बिठाया जाता सी, उदो तक कहते यज्ञ पूरा नहीं हुंदा जब तक इसी नाल ना बैठे, बल्कि उदो वैदिक काल दे विच इसी जाति नाल चंगा सलूक किया जाता सी। पूरा मान लिख लो, मान ते सत्कार दिता जांदा सी। हाँ लिखे बेटा, देखो चाहे इस तरह ही लिख लो तुसी भी। ठीक है, फिर एक्सप्लेन कर लेना, फिर तुहानू इजी होएगा एक्सप्लेन करना। बस तुहानू ऐ क्लियर होना चाहिए केड़े काल दे विच अच्छा ते केड़े काल च माड़ा माड़ा। ठीक है, वैदिक काल दे विच अच्छा शुरू कीता जांदा सी कोई भी हवन या कोई भी जो कोई धार्मिक काम करते सन तां इसरी जाति नू पूरा सम्मान दिता जांदा सी। पढ़ाया लिखाया जांदा सी। बेटा हाँ वैदिक काल, ठीक है, पढ़ाया लिखाया जाता सी। काफी सारी हिस्ट्री देखोगे ना, और काफी सारी हिस्ट्रिया के नाम है जिन्होंने काफी ज्ञान हासिल किया है। ठीक है जी, और नाम भी पता लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखो मुसलमान काल दे विच इस्त्री नाल माड़ा सलूक किया जाता सी। इस्त्री नाल माड़ा सलूक किया जाता सी, उसनू पैर दी जुत्ती समझा जाता सी। इस्त्रियां नू घरों बाहर नहीं कढ़िया जाता सी। उसनू पर्दे दे विच ही रखिया जाता सी। हाँ पर्दे दे विच ही रखिया जांदा सी। अते उस समय सती प्रथा दा रिवाज भी सी। सती प्रथा ये तो पढ़िया होना, सती प्रथा पता ना की है। लिख लगे बेटा, सती प्रथा दा रिवाज सी। सती प्रथा दा मीनिंग है जदों किसे औरत दा हस्बैंड मर जांदा सी ओनू उसकी चिता दे नाल ही अग ला दित्ती सी, ओनू भी साड़ता जांदा सी। इह तुसीं पढ़िया होणा। ठीक है, सती प्रथा दा मीनिंग है जदों किसे औरत दा पति मरदा सी ता उस नू उसकी चिता दे नाल ही अग लगा दी जांदी सी। क्लियर है, लिख लिया बेटा सारे ने। नेक्स्ट लिखो
फोर पॉइंट गुरुआ दा योगदान गुरुआ ने इसकी जाति का सम्मान कर ली गुरबाणी विच लिखिया है फिर लाइन लिखनी सोको मंदा आकिए जित जमे राजान लिखिया है सोको मंदा आकिए सेम कुटे ऊपर वाली जी लाइन है ऐसे वाली लिख देनी थले सोको मंदा आकी जित जमे राजान भाव की असी इस्त्रियां नू माड़ा क्यों बोलते हाँ जिन्हां ने राजे महाराजिया नू जन्म दिता है गुरु जी ने इस्त्री जाति का सम्मान करन लई लोकां नू उपदेश दिता कि सानू इसी दा आदर सत्कार करना चाहिदा है ते इसी नू भी बराबर दा इसी नू भी बराबर दा हक देना चाहिदा है इसी नू भी बराबर दा हक देना चाहिदा है इसी जगत जननी है जगत जननी नु बेटा कोमिया लिख लेना इस जगत जननी जगत जननी कह के सत्कारिया है या जगत जननी क्या है ओ एक शक्ति है और एक शक्ति है और एक शक्ति है जगत जननी औरत एक शक्ति है जो मुसीबत आते चंडी का रूप भी धारण कर सकती है हाँ जो मुसीबत आंदे चंडी या दुर्गा दा रूप धारण कर सकती है औरत ही है जो अपने परिवार नूं औरत ही है जो अपने परिवार नूं चलाउंदी है उस दे अपने बच्चियां लई हर मुसीबत अपने बच्चियां लई हर मुसीबत हसदे हसदे सह जांदी है अपने बच्चियां लई हर दुख हर मुसीबत हसदे हसदे सह जांदी है पर अपने बच्चे ते कदे कोई औंकड़ या मुसीबत नहीं आउन दिंदी पर अपने बच्चे ते एक औरत ही है जो अपने बच्चे लई अपने परिवार लई हर दुख हर मुसीबत नू हसदे हसदे सह जांदी है पर अपने परिवार या अपने बच्चियां ते कोई भी मुसीबत या औंकड़ नहीं आउन दिंदी नेक्स्ट देखो आई दी स्थिति आज दी स्थिति की है ठीक है आज दे जमाने विच औरत किसे नालो घट नहीं है आज दे जमाने विच औरत किसे नालो
घट नहीं है। नहीं तो अगला पर किस आज दे समय विच औरत किसे नालों घट नहीं है, वो अबला नहीं, वो अबला नहीं, वो हुन अबला नहीं है। अबला मतलब कमजोर, एक शक्ति है, ओ हुन अबला नहीं है, एक शक्ति है या शक्ति दा मुजस्मा है, शक्ति लिख लो या शक्ति दा मुजस्मा, शक्ति दा मुजस्मा, शक्ति दा भंडार। अबला नहीं है, शक्ति दा मुजस्मा है या शक्ति है जो हर मुसीबत दा सामना बिना किसे दे सहारे तो, बिना किसे दे सहारे तो, बिना किसी मदद तो कर सकती है। आज दी औरत दुर्गा है, सरस्वती है, चंडी है। आज दी औरत दुर्गा है, चंडी है, सरस्वती है। सरस्वती का मीनिंग होंगे जिदे अः कहते जिदे गले दे विचो सरस्वती मेहंदी, जिदे प्यार प्यार कहने हैं। चंडी है, सरस्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, बाकी कल करवा दूंगी थोड़ा रह गया बेटा। इन्ना फिर नोटबुक से लिख लेना।